अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स एंड वेलकम बैक टू फैमिलीज किचन। तो आज जो है हम एक बहुत ही क्विक मज़े की डिज़र्ट टाइप बना रहे हैं, देसी डिज़र्ट। तो यहाँ पर जो है मैंने जो हमारे पास व्हीट फ्लावर होता है वही मैंने लिया, जो आटा आप घर में रोटी बनाने के लिए यूज़ करते हैं वही मैंने आटा लिया है। और इसकी जो है एक हम रोटी बेल लेंगे बारीक सी, और इसके ऊपर जो है घी या बटर, अगर आप चाहें तो आप बटर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जो है मैंने घी अच्छी तरह से स्प्रेड कर दिया है पूरे रोटी पर। ये हम शक्कर का पराठा बना रहे हैं, पहले शक्कर का, फिर बाद में जो है हम चीनी का पराठा बनाएंगे। और ये देखिए मैं शक्कर डाल रही हूँ, जो ऐसे अच्छी तरह से कोट फिल कर दें शक्कर के साथ। ये देखिए जो थोड़ी सी मोटी शक्कर थी वो मैं वहाँ से निकाल रही हूँ ताकि ये जो मेरी रोटी है वो स्मूथ बने, ज़्यादा उसके अंदर बम्प्स ना। और ऊपर थोड़ा सा मैं जो खुश्का है जो हमारे पास आटा होता है वो जो है स्प्रिंकल करी हूँ थोड़ा सा। अब इसे जो है मैं रोल कर दूंगी। इसे अच्छी तरह जो है टाइट सा रोल कर लें, और जिस तरह पराठे के लिए पेड़ा बनाते हैं आप उस तरह जो है एक पेड़ा बना लें इसको घोल करके, जिस तरह लच्छेदार पराठे के लिए बनाते हैं। इसे मैं अच्छी तरह से बंद कर रही हूँ ताकि खुल ना जाए। इसे जो है थोड़ा सा लंबा कर लेते हैं ताकि पेड़ा जो है वो सही तरह बने। अभी देखें इससे आप ट्विस्ट कर दें इर्द गिर्द एक दूसरे के, और ये जो है हमारे पास एक बिल्कुल जो परफेक्ट है पेड़ा वो बन गया है। ये हम बना रहे हैं पहले शक्कर का पराठा, तो ये शक्कर के पराठे के लिए पेड़ा बन गया है। और अब ये जो है मैं बना रही हूँ स्क्वायर पराठा, चीनी वाला स्क्वायर पराठा। ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनता है और बहुत ही मज़े का बनता है। तो यहाँ पर जिस तरह पहले हमने पहला स्टेप किया था घी लगाया था, उसी तरह इसको अच्छी तरह से घी से जो है आप स्प्रेड कर दें घी अच्छी तरह से, यहाँ बटर अगर आप चाहें तो। और ये देखिए अब जो है ये मैं थोड़ी सी चीनी डाल रही हूँ इसके ऊपर, आप जितनी मर्ज़ी चाहे इसके ऊपर चीनी डाल लें। और ये थोड़ा सा जो है व्हीट फ्लावर जो है वो मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ। अब इसके हमने चारों साइड्स आपस में मिला देनी है और ये एक स्क्वायर बन जाएगा। इसको अच्छी तरह से ये देखिए इस साइड पे मैं बटर लगा रही हूँ, और फिर इसे हम मोरेंगे और फिर दूसरी साइड पे भी बटर लगाएंगे। इसे मैंने उल्टाया और उल्टा कर फिर बटर लगा दिया एक साइड पर, और अब इसे जो है अच्छी तरह से बेल लेंगे। इस तरह जो है इसके ऊपर इसके अंदर लेयर्स भी काफ़ी बन जाएंगी, जितनी दफ़ा हमने इसे मोड़ा है तो इसके अंदर लेयर्स भी बन जाएंगी और ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा और बहुत फ्लेकी पराठा बनेगा। और यहाँ पर जो है मैं इसे पका रही हूँ, पहले थोड़ी देर आप इसे पका लें और फिर घी डाल के इसे पराठे को उतार लें पका कर। इसको देखिए मैं टर्न ओवर कर रही हूँ, इसके ऊपर मैंने घी नहीं डाला। अब जो है मैं इसके अंदर घी डालूंगी, ये बहुत ही अच्छा बहुत ही फ्लेकी और लेयर वाला पराठा बनता है, स्क्वायर पराठा इस तरह का बनता है। इसे अच्छी तरह से पका लें साइड्स वगैरह सब कुछ।
ये देखें, ये बहुत ही प्यारा अब गोल्डन हो गया है और बहुत ही अच्छा हो गया है। अब इसे जो है मैं उतार लूँगी देखें, ये बन गया अच्छी तरह से। और अब देखें जो स्टेप्स हमने उसके किए थे उसी वही हमने स्टेप्स जो हैं गोल जो हमने बनाया था पेड़ा उसके साथ भी रोटी बनाई थी चीनी वाली उसके साथ भी यही करना हमने। वो जो हमने पेड़ा बनाया था उसको मैंने बेल लिया और उसे पका लिया उसी तरह जिस तरह हमने स्क्वायर पराठे बनाया। अब ये देखें ये जो पराठा है चीनी वाला और एक शक्कर वाला है, इसके ऊपर थोड़ी सी मैं जो शक्कर स्प्रिंकल कर रही हूँ और इसके ऊपर थोड़ी सी चीनी। ये बहुत ही मज़े के पराठे हैं, बहुत ही क्रिस्पी हैं। आपको जो है मैं इन्हें काट के भी दिखाती हूँ, ये बहुत ही मज़े के क्रिस्पी पराठे बनते हैं और हम लोग रात को अक्सर खाने के बाद जो है ये खाते हैं, शक्कर वाला पराठा और चीनी वाला पराठा, क्योंकि खाने के बाद मीठा खाने का दिल करता है तो हम ये स्क्वायर पराठा तो बहुत ज़्यादा बनाते हैं। ये बहुत ही मज़े का होता है, ये बहुत ही क्रंची, बहुत ही फ्लेकी, बहुत मज़े का होता है। ये देखिए अब हमारे दोनों जो पराठे हैं वो रेडी हैं।